मॉर्निंग बेटा। बेटा रिवीजन करांगे कवितावां दी। पहला चै भारत माता, सेकंड उद्धम करी जरूर। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन टेस्ट दी तुहानू कवितावां नहीं है ते एक जेड़ा की ये चैप्टर आएगा हरियावल दे बीज। ठीक है, नहीं ग्रामर दा दस दंगे। जय भारत माता कविता की लिखी शिव कुमार बटालवी। ठीक है, इस कविता दे विच कवि ने भारत माता दी जय जयकार कीती है। ते इथों दे जिवें सोमनाथ दे मंदिर हो गए, राजपूतानी खंडर, इथों दे लोकां दी शहीदां दी जय जयकार करदे होया किया है। कविता सुनो ध्यान नाल, क्योंकि कविता दे तुहानू किसे भी वर्ड दा मीनिंग पूछ सकदे है। देन कावश, ठीक है, ते वन मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, कावन जदों भी आएगा पहले नूं तुसीं ध्यान नाल पढ़ना है ते फिर ही आंसर लिखने है। ते कावन दे कदी भी किसे क्वेश्चन आंसर पोएटिकल लैंग्वेज नहीं देना, पढ़ के, ठीक है, लाइना पढ़ के, ठीक है, उन्हें अपनी लैंग्वेज में फिर कन्वर्ट करना है, फिर ही आंसर देना। ठीक है, कविता सुनो पहला। जय भारत माता कवि किसकी जय जयकार कर रहे हैं? भारत माता दी। लहुआ दे संग लिखी गई है अनंत तेरे दी लंबी गाथा, भाव की भारत दी जिहड़ी कहानी है। गाथा का मतलब कहानी, ठीक है, ठीक है, मीनिंग भी आने हैं। गाथा का मीनिंग है कहानी। भारत की जिहड़ी कहानी है वो कितना लिखी गई है? लहू नाल। किधर है लहू नाल लिखी गई है? शहीदां दे, क्योंकि भारत नूं काफी चीर अंग्रेजा ने अपने गुलाम बना के रखिया। अनक, अनक मतलब ना गैरत, अनक का की मतलब है गैरत। अनक तेरी दी लंबी गाथा, जय भारत माता कवि भारत दी जय जयकार कर रहा है। हल्दी घाटी तेरी सोमनाथ दे मंदिर, हल्दी घाटी दस्या जिथों की मिट्टी जी पीली होंगी है, सोमनाथ दे मंदिर। ठीक है, इतों के हल्दी घाटी सोमनाथ दे मंदिर जी की बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तेरे दुखों की बात सुनांदे राजपूतानी खंडर, जो कि पहला बहुत ज्यादा, ठीक है, वड्डे वड्डे महल सन राजपूतानी। ठीक है, अज की है हमलिया दे करके वो खंडर बन चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। ठीक है, वो की भारत के दुखों की गल सुना रहे, भारत के दुखों की गल कौन सुना रहे? राजपूतानी खंडर भारत के दुखों की गल सुना रहे हैं। ऐसा लिखना लाइन। ब्यासा दे कंडे तो मना, ब्यास की एक नदी है, ब्यास की एक नदी है। ठीक है, ब्यासा दे कंडे तो मुड़िया खाके मार सिकंदर, सिकंदर जो कि बेटा दुनिया नू जीतन दा सुपना लेके आया कि मैं पूरी दुनिया नू जीत के जाना है, पर उसनू ब्यास नदी दे किनारे तो खाली हाथ ही मुड़ना क्यों? क्योंकि पंजाबी दे नौजवान बड़े बहादुर हैं, बड़े सूरबीर हैं, ते सिकंदर नूं ब्यास नदी दे कंडे तों वापस मुड़ना पिया, भाव कि उहदी हार होई। ठीक है, जय भारत माता कवि भारत माता दी जय जयकार कर रहा है। जलियां वाले बाग तेरे दी अज भी अमर कहानी, अमर कहानी कि कहानी कि अमर है जलियां वाले बाग दी कहानी की है, अमर है। क्यों है अमर? क्योंकि इत्थे बेटा जनरल डायर ने, ठीक है, जनरल डायर ने विसाखी वाले दिन निहत्थे लोगों के गोलियां चला दी सन, ते काफी लोग जिहड़े कि शहीद होए सन, है, ते अज भी उन्हां दी कहानी की है, अमर है। कामा गाटा मारू किसका नाम है? एक जहाज का। ठीक है, अभी आ सकता है कामा गाटा मारू की एक जहाज है, कितना जहाज है? जापानी जहाज। कामा गाटा मारू एक जापानी जहाज है। अग लाई विच पानी, जिसने भी पानी दे विच अग लाने का काम किया, भाव की कामा गाटा मारू दे विच जिहड़े जहाज के सवार लोग बैठे हुए सन, ठीक है, उन्होंने भी जिहड़ा कि देश नूं आजाद करवाने दे विच बहुत वड्डा योगदान पाया सी। ठीक है, बाबा गुरदित्त सिंह ने खरीदिया सी, दस्सिया सी ना सारा लिखवाया ना। ठीक है, कामा गाटा मारू की एक जहाज है जिहड़ा बाबा गुरदित्त सिंह ने खरीदिया सी। ठीक है, इसनूं भारत की बंदरगाह से उतरन की आग्ञा ना दी गई, जिस करके जिहड़ा कि इसने भी जिहड़े जहाज में बैठे लोगों ने विद्रोह किया, इस विद्रोह के करके भी भारत को आजादी मिली सी। चंडी बन के रणवीर जूझी, तेरी झांसी राणी, इतों के कले नौजवान ही नहीं औरतां भी बड़िया बहादुर हैं। कि झांसी राणी सी अंग्रेजा ने उहदे राज नूं अपने राज विच मिलाण दा फैसला किया, क्योंकि झांसी की राणी का कोई अपनी औलाद नहीं सी, उन्हें पुत्र की अडोप्ट किया सी, गोद लिया सी, ते अंग्रेजा ने जिहड़ा कि ये जिहड़ा गोद लिए पुत्र नूं, ठीक है, मना कर दिता कि
कि तुहाडे जिहड़ा कि राज दा वारिस नहीं होएगा। ठीक है, इस लई झांसी राणी ने जिहड़ा कि अंग्रेजा दे विरुद्ध विद्रोह किया, तो किस तरह लड़ी सी, लड़ाई दे मैदान में चंडी की तरह, चंडी की तरह लड़ी सी, किथे लड़ाई दे मैदान दे विच। भगत जहे पुत्र तेरे उधम सिंह सराबे, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, उधम सिंह, करतार सराबे, सराबे का पूरा नाम की है करतार सिंह सराबा, ये भी तुम पता होना चाहिए, सराबे का पूरा नाम करतार सिंह सराबा। ठीक है, इन्होंने महान नौजवानों ने देश की खातर हसदे हसदे अपनिया जान दिया कुर्बानिया दे दित्तियां। डुले खून का बदला उसने तोल लिया विछाबे, भाव कि इन्होंने, ठीक है, शहीदा इन्होंने जिहड़ा कि जिहड़ा अंग्रेजा ने लोगों ने बहुत ज्यादा जुलम किया, उस जुलम दौरान ने की लिया, बदला लिया कि कोलो अंग्रेजा कोलो। गोरी, गोरी कौन है? अंग्रेज। अनंग मतलब गैरत, जिहड़े गोरे अंग्रेज अपने आप नूं बड़ा जिहड़े कि अपने आप बड़ी गैरत दसदे सन। ठीक है, उन्हां दी गैरत नूं भी इन्होंने ललकारिया ते खत्म किया, किन्हां नूं? भारती नौजवानों ने, किन्हां दी अनख नूं खत्म किया सी? गोरियां दी, भाव कि अंग्रेजा दी। ठीक है, किन्हां दी अनख नूं खत्म किया? अंग्रेजा दी, गोरिया दी। किन्हां ने खत्म किया? भारती नौजवानों ने। ठीक है, गोरी इहनूं रंडी करके तेरे गदरी बाबे लिखिया, तो उन्होंने गदरी बाबे आ जिहड़े गदरी बाबे सी जिहने गदर अंदोलन चलाया। ठीक है, गदरी बाबे कौन सन? जिन्हां ने गदर अंदोलन चलाया। ठीक है, गदर लैन चलाई, उच्च करतार सिंह साहबा का नाम भी जिहड़ा कि बड़े मान नाल लिया जांदा। जय भारत माता, जय भारत माता, कवि भारत माता की जय जयकार कर रहा है। लाजपत जहे बन गए तेरी लाजपत दे राखे, पहले लाजपत का की अर्थ है? लाला लाजपत राय। तो जिहड़ा समासी शब्द पा के लिखा होया उहदा की मना है? इज्जत। ठीक है, ध्यान ना। ठीक है, लाजपत का की मिलेंगे? इज्जत। शिवा ते प्रताप तेरे ने लिखे शहीदी साके। ठीक है, शिवा, महाराणा शिवा ते प्रताप ने जिहड़ा कि इन्होंने भी जिहड़ा कि शहीदी के साके लिखे, भाव कि इन्होंने महाराजा ने भी, राजा ने भी देश को आजाद कराने में बहुत वड्डा योगदान पाया। फांसी ते फटिया ते बैठी तारीख वही आके, तारीख मतलब इतिहास, जे जो जी घटना बीते समय की हो चुकी, इतिहास बन चुकी। ठीक है, तारीख का मतलब जो घटना इतिहास बन चुकी है। फांसी दे फटिया दे बैठी तारीख भी आ, बीते समय की घटना भी यही आखरी है कि भारत माता की जय जयकार, भारत माता की जय जयकार, भाव कि जो इतिहास बीत चुका है वह भी भारत की जय जयकार कर रहा है। क्लियर है? हुण काव्यांश कर लो ना बेटा सारे। ठीक है, हरेक कोई मीनिंग भी आ सकता है। ठीक है, जब कोई काव्यांश दे विच कोई भी क्वेश्चन जिहड़ा कि आवे, तुसीं उहदा आंसर पोएटिकल लैंग्वेज नहीं देना, समझ के फिर लिखना है। ठीक है, बाकी एमसीक्यूज दे विच क्वेश्चन आने पेपर दे विच। ठीक है, वन मार्क्स जिहड़े क्वेश्चन एमसीक्यूज विच आणगे। ओके, नैक्सट आपां सैकिंड कविता करांगे, उद्यम करी जरूर। सैकिंड कविता, उद्यम करी जरूर। उद्यम करी जरूर किहदी लिखी बेटा? बलदेव धालीवाल। सैकिंड कविता, उद्यम करी, उद्यम का की मीनिंग है? हिम्मत। ठीक है, मीनिंग भी पूछ सकते हैं, उद्यम का की मीनिंग है? मेहनत, हिम्मत करनी। ठीक है, किहदी लिखी हुई है? बलदेव धालीवाल दी। कविता के नाम तो ही क्लियर है, भाव कि इस कविता किस की करने लिए किया गया? सानू मेहनत करने लिए किया गया है, हिम्मत करने लिए किया गया है। ठीक है, सानू हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए है। जे कुछ लोचे, लोचे मतलब इच्छा, लोचे वर्ड का की मीनिंग होंगे? इच्छा। जे कुछ लोचे मन में सजना, सजना किनू क्या है? सारे लोगों, सजना मतलब सारे लोगों संबोधन कर रहा है कवि। ठीक है, आम लोगों, मनुखों संबोधन कर रहा है। जे कुछ लोचे मन में सजना, उद्यम करी जरूर, कि तेरे मन दे विच किसे काम करने की कोई इच्छा है। ठीक है, तू कुछ काम करना चाहता है, उद्यम करी जरूर, ते तेनू की करना चाहिए? उद्यम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए है। बिन उद्यम हथ सखने रहसन, हथ सखने मतलब खाली, हथ सखने मतलब खाली। बिन उद्यम बिना मेहनत तो, बिन उद्यम मतलब बिना मेहनत तो, बिन उद्यम हथ सखने रहसन, जे तू उद्यम नहीं करेगा तेरे हथ खाली रह जाएंगे। उद्यम थी भरपूर, जे तू उद्यम करेगा तो तेन सब कुछ प्राप्त होगा। थी भरपूर मतलब सब कुछ मिल जाना, थी भरपूर सब कुछ प्राप्त होना, बाकी जो तू चाहना है, जो तेरी इच्छा है।
जे चाहे पुलना मंजिल ते, जे तू अपनी मंजिल ते पुलना चाहता है। वगी जिवे दरिया, जिस तरह दरिया का पानी बेटा लगातार वगदा ही रहता है, लगातार अगे चलता ही रहता, उस तरह तेन दरिया के पानी के वाग अगे ही अगे चलते रहना चाहिए है, कदे भी रुकना नहीं चाहिए। तो निरंतर ना जिंदगी का, हम जिंदगी किसका नाम है, लगातार चलते रहना, जिंदगी किसका नाम है, लगातार चलते रहना। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, जिंदगी किसका नाम है, लगातार चलते रहना। मौत कदम रुकिया, मतलब जे तू निराश होके रुक गया, मेहनत ना कीती, निराश होके बैठ गया, निराशा का पल्ला फड़ गया, मतलब तेरी मौत हो गई, भाव की तेन कुछ भी हासिल नहीं होना। जे किधरे हारा लक तोड़न, जे कदे तेरी हार हो जावे, ठीक है, तेन काम दे भी सक्सेस ना मिले, तब निराश ना होवी, मन हो जाए निराश, ते मन तेरा बड़ा निराश हो जाए, उदास हो जाए। जिंदगी जानी कोल मेरा, जिंदगी की एक लंबा कोल है, एक लंबा संघर्ष है, जिदे विच दुख भी हैं सुख भी हैं, जिंदगी की है लंबा कोल है, लंबा संघर्ष है, कोल मतलब संघर्ष, कोल का की मीनिंग है संघर्ष, जिंदगी एक लंबा कोल, एक लंबा संघर्ष है, जिदे विच दुख भी है ते सुख भी है। जित विच रख विश्वास, तेन किस चीज विच विश्वास होना चाहिए है, जित विच, मनुख नु किस विच विश्वास रखने लिए किया है, जित विच विश्वास रखने लिए किया है। जे किधरे मन दे अंबर ते छा जाए कोरदासी, भाव की जे कदी, ठीक है, तेरी हार हो जावे ते तेरा मन हमेशा उदास ही रवे, ठीक है, जे किधरे मन दे अंबर, भाव की तेरे मन दे विच उदासी छा जावे, मन दा मालक बनन ना देवी, ए तेरी दासी, ठीक है, तू अपने मन नू, ठीक है, मालक ना बनन देवी, किनू मालक नहीं बनन देना चाहिए, उदासी नू, उदासी नू हमेशा नौकरानी बना के रखो, दासी बना के रखो, ठीक है, इनू अपने सिर तर ना बिठाओ, भाव कि नहीं, चलो ठीक है, एक दिन तुहाडी हार हो गई, चलो थोड़ा तुसी उदास हो गए, ऐ नहीं कि हर टमे तुसी हर समय उदास ही रहन लग जाओ, वो भी गलत है, चलो ठीक है, तुहानू तरक्की नहीं मिली, ठीक है, जो तुसी चाहते सी, ठीक है, थोड़े समय भी तुसी उदास हो, पर उस उदासी नू अपने मन का मालक ना बनन दिओ, ठीक है, उन उदासी बना के रखो, भाव कि यह नहीं उस तो बाद तुसी उदास ही रहन लग जाओ, वो भी गलत है, ठीक है, उदासी किनू बना के रखना चाहिए, उदासी नू, उदासी निराशा नू आपां दासी बना के रखिए, उन्हूं मालक नहीं बनाना। ए तेरी है दासी, तेरे मन विच रोशन सूरज, चंद्रमा दे तारे, किते तेरे मन दे जिस नाल चंद्रमा दे तारे सारी दुनिया नू अपने प्रकाश नाल रोशन करते हैं, सूरज सारे दिन रोशन करता ना, ते चंद्रमा रात नू रोशन करता है, उसे तरह तेनू जिहड़ा कि ए सारी दुनिया नू अपने ज्ञान दे नाल रोशन करना चाहिदा है, तेनू अपने अंदर ज्ञान दा दीप चलाना चाहिदा है। तेरी खिड़न तो जग ने खिड़ना, जग मतलब दुनिया संसार, जे तू खुश रहेगा तो तेनू सारी दुनिया ही खुश नजर आएगी, मुरझाया मुरझावे, जे तू मुरझा गया, भाव की जे तू उदास हो गया तो तेनू इस तरह लगे कि सारी दुनिया ही बड़ी मुरझाई हुई है, बड़ी उदास है, हुंदा ना बेटा सानू कई बार कोई चीज चंगी नहीं लगती, इसे करके जे असीं उदास होवांगे सानू लगता है सारी दुनिया पर की दुख ही छा गया सारे पासे, पर जे असीं खुश हाँ तो सानू आले दुआले सारा कुछ ही खुश नजर आएगा। वंड सुगंधियां प्री सुनेहे, कवि ने की वंडा लिखा है, सुगंधियां भाव की खुशियां वंडन का सुनेहा दिता है, प्यार वंडन का सुनेहा दिता है, निघे प्यार कलावे, तेनू प्यार प्यार जिहड़ा कि एक दूसरे नू बढ़ना चाहिदा है, सिदक लगन, सिदक लगन ते थकड़े खंभी, उड़ना उच्च समानी, तेनू सिदक हौसला रख, लगन ना, ठीक है, लगन रख, भाव की लगन ना काम कर, भाव की तू काम करता जा, दिल लगा के काम कर, ये जेडे दो खंभ है, एक सिदक हौसले ना, लगन मतलब काम नू करता जा, ये तू अपने खंभ जेडे कि दो तरह के खंभ लगा लै, ठीक है, जे तू आसमाना दियां उचाइयां नू छूना चाहता है, कि जे तू आसमान की उचाई छूना चाहता है तो तेनों केड़े खंभ लगाने चाहिए है, एक सिदक दे ते एक लगन वाले जेडे उच्चे खंभ लगा के तू आसमाना विच उड़ सकता है। थल सागर भी रोक ना सकन,
तेरी सहज वाणी, ठीक है, जिन्या मर्जी रस्ते भी मुश्किल आ जाए, खल जिन्या वड्डिया या सागर जिन्या वड्डिया मुश्किल क्यों ना आ जाए, ठीक है, तेरी सहज वाणी भाव की रोक नहीं सकनगे जे तू मेहनत करेगा, उद्दम का पला नहीं छेगा, जिन्या मर्जी तेरे रस्ते मुश्किल या मुसीबत क्यों ना आ जाए, या कोई तेरे रस्ते जिन्या मर्जी मुश्किल क्यों ना खड़िया करे, तू कभी भी रुकेगा नहीं जे तू हिम्मत का पला फड़ेगा, मेहनत का पला फड़ेगा। जे कुछ लोचे मन में सजना उद्दम करी जरूर, जे कुछ तू प्राप्त करना चाहता है तो तेनू मेहनत करनी चाहिए है, तेनू उद्दम करना चाहिए है। समझ लगी बेटा? हम केंद्रीय भाव कौन सुनाएगा था बेटा? यस, उद्दम करी जरूर कविता बलदेव धालीवाल की लिखी हुई है। इस कविता विच कवि ने हिम्मत रखने लिए किया है, सानू हिम्मत करनी चाहिए, सानू मेहनत करनी चाहिए ताकि आप सफल हो सके। जे आप किसी समय हार भी जाइए, सानू हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सानू अपनी उदासी नू दासी बना के रखना चाहिए, उदासी नू मन दे विच हावी नहीं होने देना चाहिए, सानू हिम्मत करनी चाहिए है। अंत विच कवि ने यह संदेश दिता है कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। Yes, very good. कि उद्दम का जरूर कविता कवि ने किया है कि सानू उद्दम भाव की मेहनत का पला छड़ना नहीं चाहिए, जे तू कुछ बनना चाहता है या कुछ हासिल करना चाहिए है, ठीक है, इसलिए हमेशा मेहनत करते जाओ, उद्दम करते जाओ। ते कदे जे तुहाडी जिंदगी दे विच बेटा हार हो जाए तो हार नू निराशा नू अपने मन का मालक ना बनन दिओ, उहनू अपनी उदासी बना के रखो, क्योंकि जिंदगी एक लंबा घोल है, एक लंबा संघर्ष है जिदे विच बेटा दुख भी हन ते सुख भी हन, ठीक है, इसलिए जिहड़ा कि हमेशा खुश रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ते हिम्मत का पला कदे भी छड़ना नहीं चाहिए। क्लियर बेटा? यस। सेकंड कविता जय भारत माता, ऑनलाइन स्टूडेंट, यस बेटा रेज योर हैंड। जय भारत माता कविता का केंद्रीय भाव, जय भारत माता बेटा रेज योर हैंड। यस अजय बेटा, जय भारत माता, जय भारत माता कविता, जय भारत माता कविता तनीराम चात्री की लिखी हुई है। इस कविता विच कवि ने सानू भारत दे दी आजादी लई संघर्ष बारे दस्या है। कवि ने कहा है कि भारत दी गाथा शहीदां दे लहू नाल लिखी गई है। इस कविता विच कवि ने कई जरूरी थावां दे भी नां दस्से हन जिहदे विच भारत दीआं कई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाइयां होईआं सन, जिवें कि हल्दी घाटी ते कई होर थावां जिवें कि सोमनाथ दे मंदिर, राजपूतानी खंडर। कवि ने इस कविता विच कई शहीदां दे भी नां दस्से हन जिन्हां ने भारत नूं आजाद कराउण लई अपनी जान भी कुर्बान कर दित्ती, जिवें भगत सिंह, उद्धम सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय आदि। अंत विच कवि ने सानू यह संदेश दिता है कि सानू भारत जहे अमर, भारत जहे लैंड महान लोका दे बारे दस्या है कि इथों दे लोका जिन्नी शिव कीती जावे घट है, इथों दे हल्दी घाटी दे मंदिर, सोमनाथ दे मंदिर, राजपूतानी खंडर जिहड़े कि भारत दे जिहड़े कि दुखां दी गल सुना रहे हन। इस तो इलावा शहीदां दे बारे दस्से गया है कि जिन्हां ने अपनियां जानां कुर्बान करके देश नूं आजाद करवाया। इत्थों दी ना केवल नौजवान, इत्थों दीआं औरतां भी बड़ियां बड़ियां हिम्मत वालियां हन, चंडी बन के, ठीक है, जिहड़ी झांसी राणी सी उसने लड़ाई दे मैदान में चंडी बन के, ठीक है, अंग्रेजां दा मुकाबला कीता, ठीक है, गदरी बाबिआं ने जिहड़ा कि गोरी अणख नूं भाव कि अंग्रेजां दी अणख नूं जिहड़ा कि इह खतम कीता, बाकी इस भारत की जिन्नी जय जयकार की जाए उन्नी ही घट है। समझ लगी बेटा? नेक्स्ट सभा बेटा हम करांगे वाक वटांदरा टॉपिक, वाक वटांदरा और बेटा आप रिवाइज करांगे वाक वटांदरा। क्वेश्चन लिखो फर्स्ट, उसने
उसने मेहनत की ता जो तरक्की हासिल कर सके। हुण ए दसने वाक दी केड़ी किस्म है, वाक दी टाइप दसनी केड़ी किस्म है, वाक दी किस्म, किस किस्म दा वाक है। हाँ केड़ा वाक है, मिश्रित वाक। देखो आंसर, किस्म दसनी वाक दी। ठीक है सेकंड क्वेश्चन लिखो। मैं उसनु जानदा हां, मैं उसनु हां जानदा हां, ये भी वाक दी किस्म दसो केड़ी है। असाधारण वाक, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट लिखो, ओहो ना केवल पढ़दा वधिया है सगो खेड़दा भी वधिया है। हाँ ये केड़ा वाक है, संयुक्त वाक, संयुक्त वाक है, समान योजक। ठीक है ऐसा पेपर दे विच तुहानू वाक दी किस्म पूछ सकदे आ वी, वाक दी केड़ी किस्म है। साधारण है जिहड़ा सिंपल सेंटेंस होएगा साधारण, ठीक है, जिहदे विच समान योजक वाले शब्द लगे होणगे, अते पर परंतु ना केवल सगो चाहे भावे आदि, ओह की होएगा संयुक्त वाक, जिहदे विच बेटा जिस सेंटेंस दे विच की क्योंकि तां जो जेड़ा जो सो जिवें तेजा एवले अधीन जो जगने शब्द लगे हो की होएगा मिश्रित वाक। नेक्स्ट लिखो फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन, की तुसी उस नू जानदे हो, ए केड़ा किस्म है बोलो, प्रश्निक वाक, भाव की जिस सेंटेंस दे विच की कौन केड़ा किवें किन्निया कदों, ठीक है किस तरह किस दी ते पिछे क्वेश्चन मार्क दा साइन होएगा, की होएगा प्रश्निक वाक। ये तो सी वाक दीआं किस्मां, ठीक है सिंपल सेंटेंस, ठीक है साधारण वाक, ठीक है संयुक्त वाक, मिश्रित वाक ते प्रश्निक वाक। एक होर है किस्म विस्मिक वाक, और नेक्स्ट टर्म दे विच, ठीक है जिहदे च विस्मिक चिन्ह लगा हुंदा। ओके ए क्लियर है विच कीड़ी किस्म है वाक दी। हुण असीं करांगे वाक टांदा चेंज ऑफ सेंटेंस, भाव की संयुक्त वाक भी चेंज करना या साधारण वाक भी चेंज करो या मिश्रित वाक भी चेंज करना। ओके बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा नाम नाल लिखते जाओ, क्लियर है पुत्र सब नू, ऑनलाइन स्टूडेंट लिखे जिहड़े मेहनत करते हैं ओह सफल हुंदे हैं। साधारण वाक, साधारण वाक भी चेंज करना है। सेकंड है मैं उसनु नहीं जानदा, हाँ वाच थर्ड है ओहो ना केवल
ओहो ना केवल पढ़दा वधिया है सगो लिखदा भी वधिया है। सुधारवा मैं बीमार होने कारण स्कूल नहीं आ सकता। संयुक्त वाक तरक्की की इच्छा हर किसी नु है। प्रश्निक वाक मजदूरां नूं बुला के इट्टां चुकवाओ या काम करवाओ। मिश्रित वाक यस आंसर बोलो बेटा सब फटाफट। टाइम हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन जेड़े मेहनत करते हैं सफल होंगे। हाँ अंकुल बेटा साधारण वाक सिंपल सेंटेंस बेटा। नो साधारण वाक बनाओ जेड़े ऑनलाइन स्टूडेंट जेड़े शब्द उत्तर लगता है मेहनत करने वाले सफल होंगे। हाँ बोलो लिखो मेहनत करने वाले सफल होंगे। हाँ ये सेकंड सेंटेंस ऑनलाइन बच्चे रेज योर हैंड। मैं उसको नहीं जानता ऑनलाइन स्टूडेंट मैं उसको नहीं जानता। यस ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा ऑफलाइन स्टूडेंट यस अनजान। हाँ मैं उसको नहीं जानता मैं उसको अनजान हाँ मैं उसको अनजान हाँ। रफ नोटबुक ते सारे सेंटेंस लिखोगे। थर्ड ओ ना केवल पढ़ता वधिया है सगो लिखता भी वधिया है। हाँ हाँ ओ पढ़न दे नाल नाल लिखता लिखता ਉਹ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਦਾ ਥਾਂ ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਲਿਖਦਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਕ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸੋਰੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਾਕ ਹੈ। ऑनलाइन स्टूडेंट मैं बीमार हाँ अते स्कूल नहीं आ सकता अते आने। ठीक है बाकी बेटा करके रखना कल बेटा अस करांगे ओके क्लास ऑनलाइन क्लास ओके बेटा बाय बाय बेटा।